गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है साइक्लोन। जैसे कि 5 बजे की क्लास में हमने आपको बताया था कि ये 7 बजे वाला सेशन जो है वो उन टॉपिक को कवर किया जाएगा जो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा वर्निंग इशू होंगे उनकी हम लोग बात इस सेशन में करेंगे। लेकिन इस टॉपिक ये सेशन आपका रोज नहीं चलेगा, तो अगली बार इस सेशन में हम लोग इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इसको लेके आएंगे। लेकिन वो कब आएगा, फिलहाल अभी 2-3 दिन आपको हो सकता है वेट करना हो उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो भी आजकल बहुत चर्चित मुद्दा है। क्योंकि जितने भी चर्चित मुद्दे हैं उनको लेकर इस सेशन में आएंगे, यानी इस सेशन का नाम ही ये होगा, इसमें चर्चित मुद्दे ही डिस्कस किए जाएंगे और ये आपके करंट अफेयर्स में भी काम आएंगे और भी बहुत सारी जगह पर आपके काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं ये साइक्लोन आखिर है क्या बला का नाम और कहाँ आई है, क्यों आई है, कैसे आई है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपका प्री से लेके मेंस तक कहीं पर भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए ये इससे आप नहीं भाग सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आपको हर जगह मिलेगा, हर मोड़ पर मिलेगा। तो चलिए उससे पहले कुछ और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी क्लासेस यूट्यूब के अलावा जो आप देखते हैं वो जो प्रॉपर कंप्लीट क्लासेस हैं वो अनअकैडमी ऐप पर है, जिसमें आपको वहां पर कंप्लीट कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज और यानी बहुत कुछ उस पर मिलेगा, जिसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को। और उसको रजिस्टर करने के बाद आप फिर अपना जो है कोर्स सेलेक्ट करिए और लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। ठीक, 2 तरीके की क्लासेस हैं, एक फ्री एक आपकी पेड है। जो स्पेशल क्लासेस होती है वो फ्री रहती है सबके लिए, रेगुलर क्लासेस होंगी वो सब पेड होंगी। 1 साल के लिए फीस पेमेंट इसमें 7,000 रुपए, 2 साल के लिए 8,400। आपको न तो 7,000 पूरा देना है न तो 8,400 देना है। देना आपको सिर्फ कितना है, पहले तो इस जब कोर्स सेलेक्ट करेंगे और वहां पर एक रेफरल कोड का ऑप्शन देगा, जैसे ये लाइव नूर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर LIVE ऐसे वहां पर डाल के जब अप्लाई करेंगे तो वहां पर तुरंत आपको आपके साथ 7,000 के 6,300 में बदल जाएंगे और 8,475 में बदल जाएंगे, यानी इसमें आपको अनलिमिटेड क्लासेस 2 साल तक मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की। चलिए तो आज का जो विषय है वो आपको पता ही होगा, आपने जैसे देख लिया होगा बाहर से, वो है आपका साइक्लोन चक्रवात। तो ये थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है चक्रवात, ठीक, साइक्लोन। इसे आप अपनी देसी भाषा में आप बवंडर समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि गांव में कई बार ऐसा होता है कि गन्ने के खेत में या धूल की सड़क, धूल भरी सड़कों पर आपने देखा होगा दोपहरी के टाइम पर आपको देखा होगा यूं यूं हवा घूमती है और ऊपर की ओर चली जाती है। उस टाइम वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें देखो जिन्नात है, कोई बताता भूत है, इसके पास मत जाना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो एक छोटे से एरिया में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो उसी पर हम लोग यहाँ पर आज पूरी बात करने के लिए बैठे हैं, तो उसी पर हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर जाहिर सी बात है, देखो चक्रवात को समझने के लिए पहले हमें 2 चीजों को ध्यान रखना होगा। एक चीज वो है कि जिसे हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, यानी तापमान, और दूसरा है आपका वायुदाब। और ये एक दूसरे के ठीक वैसे हैं जैसे चोर और पुलिस।
रहने का मतलब एक साथ कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। कैसे? देखो पूछ रहा बच्चा, यहां पर देखो, अगर किसी भी एरिया में जाहिर तौर पर अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पहले इस चीज को समझ लें अच्छे से, अगर किसी भी एरिया में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां का प्रेशर तुरंत घट जाएगा, और जब प्रेशर घट जाएगा तो जाहिर सी बात है उस एरिया में लो प्रेशर जब जनरेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाहर इसके मुकाबले जहां कहीं पर भी हाई प्रेशर होगा वहां से हवाएं इस लो प्रेशर की ओर चलना शुरू कर देंगी। इस लो प्रेशर को अगर आप समझना है तो आप इसे समझ लो जमीन में गड्ढा। अगर जमीन में गड्ढा होता है तो पानी अपने आप उसी गड्ढे में जाके ही जमा हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से वायुमंडल में भी जहां पर लो प्रेशर होगा हवाएं उस लो प्रेशर को भरने के लिए दौड़ेंगी। ठीक, तो अब अगर एक लाइन में किसी को अगर आपको बताना हो कि आखिर ये चक्रवात है क्या, देखो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, परेशान बिल्कुल ना होइए, लेकिन अब हर सवाल का जवाब अगर हम देते चलेंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे। आपके सवाल हमने जान लिया राजकुमार जी, आप परेशान ना होइए, सवाल आपका हमारे तक आ गया, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बताएंगे, बस पूरी बात हो जाने दीजिए। तो ये साइक्लोन जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो अब इसमें अगर एक लाइन में किसी को आपको समझाना हो, बताना हो कि आखिर ये है क्या, तो सिर्फ उसे एक लाइन में ये बताएंगे कि जो चक्रवात है वो एक निम्न वायुदाब केंद्र है। निम्न वायुदाब केंद्र का मतलब वो एक लो प्रेशर एरिया है। चक्रवात क्या है? लो प्रेशर एरिया है जो कि उच्च वायुदाब रेखाओं के द्वारा घिरा होता है, इसीलिए हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तेजी से चलना शुरू करती है। ठीक है, इन्हीं चक्र किसी को अगर आपको बताना है तो एक लाइन में समझना। अभी बहुत सारे फिगर लगे हुए हैं, आपको अच्छे से समझने में काम आएंगे वो। इन्हीं चक्रवात एक लो प्रेशर एरिया है जो चारों तरफ से हाई प्रेशर से घिरा होता है और जिसके वजह से हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। ठीक, अब जैसे कि अभी हमने आपको ये बताया कि चक्रवात में टेम्परेचर और प्रेशर का लेना देना क्या है, जहां पर टेम्परेचर बढ़ता है तो वहीं पर प्रेशर तुरंत घट जाता है, और इस घटे हुए प्रेशर को यानी कम दाब को भरने के लिए हवाएं चारों तरफ से चलती हैं, इसीलिए अगर डिफरेंस ज्यादा है तो तेज चलेगी, स्लो कम डिफरेंस है तो स्लो चलेगी। तो उसी को हम लोग यहां पर देखेंगे। देखो जैसे पानी हमेशा जो है वो ऊंचे से नीचे की ओर ही चलता है, यानी पानी हमेशा हाई टू लो बहता है, बहता है कि नहीं बहता है, इसी तरीके से आप जब पानी ऊंचे से नीचे की ओर बहता है तो इसी तरीके से जो आपका यहाँ पर हवा है, हवा का भी जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही होता है। अब आप कहेंगे ये कभी तेज चलता है तो कभी स्लो चलता है, तो उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि अगर जैसे नदी की धारा में आपने देखा होगा कि नदी की धारा में अगर ढलान ज्यादा है तो जब ढलान ज्यादा होगा तो पानी तेजी से बहता है, इसी तरीके से अगर सेंटर और परिधि के बीच में एयर प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा है तो साइक्लोन उतना ही तेज चलेगा, उतना ही ज्यादा बर्बादी होगी। यानी कि जितना नदी में धारा में ढाल होगी तो पानी उसी तरीके से तेज बहता है, तो यहां पर भी अगर प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेज पानी चलेगा, इसीलिए यहां पर इस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने पिछली लाइन में कहा था कि चक्रवात एक निम्न वायुदाब केंद्र होगा जो चारों ओर हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब की रेखाओं द्वारा घिरा होगा, तो इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं क्या करेंगी,
चलना शुरू होंगी। ये जो लाल सर्किल देख रहे हैं आपको जिगजैग गोले, तो ये जो हैं कहलाती हैं, इन्हीं लाइनों को कहा जाता है आइसोबार कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, या हिंदी में समदाब रेखाएं कहते हैं। ये समदाब रेखाएं होती क्या हैं? समदाब रेखाओं को जानने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखिए कि समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाओं को हम लोग समदाब रेखाएं कहते हैं। यानी कि जो जो समान वायु दाब वाले एरिया होते हैं उनको जो ड्रॉ करती हैं मिलाती हुई, यानी उनको जो मिलाते हुए खींची जाती हैं, ड्रॉ की जाती हैं, उन्हीं को हम लोग समदाब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो चक्रवात, जाहिर तौर पर यह ध्यान रखना कि दुनिया में कहीं पर भी पूछा जाए, साइक्लोन का समझ लीजिए पर्यायवाची शब्द है कि लो प्रेशर। तो लो प्रेशर होगा, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना शुरू करेंगी। अब ये कितनी तेज चलेंगी वो इसके और इसके बीच में पाया जाने वाला प्रेशर डिफरेंस तय करेगा कि हवा कितनी तेज चल रही है। तो ये बात उम्मीद करते हैं साइक्लोन तो समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन यानी चक्रवात क्या है। तो चक्रवात एक हाई यानी उच्च लो प्रेशर एरिया है, यानी निम्न वायु दाब केंद्र है जो चारों तरफ उच्च वायु दाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है, इसीलिए हवाएं केंद्र से यानी परिधि से केंद्र की ओर चलती। अब यहां पर आपने देखा होगा कुछ फिगर दिखाई दे रहा है आपके, तो एक तस्वीर यहां पर चक्रवात की बनी हुई है और एक तस्वीर अभी आपको और आगे लगाएंगे जिनको दिखाने के लिए। तो याद रखना जो साइक्लोन है ये नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में, इनके जो घूमने की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं घड़ी के सुई के विपरीत। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये हमें जो रोटेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, यानी घड़ी के सुई के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करता दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। हिंदी में इसे वामावर्त कहते हैं, जो कि कठोर हिंदी है, और आप देसी भाषा में इसे समझ लीजिए, इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी के विपरीत, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि अपो विपरीत चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध का फिगर भी देख लेते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध का जब फिगर देखोगे तो यहां पर आपको तस्वीर कुछ दूसरी नजर आती दिखाई दे रही। वो दूसरी इसलिए क्योंकि पहली वाली तस्वीर में आपको कुछ दिख रहा था, यहां पर कुछ दिख रहा है, यानी कि यहां पर ये घड़ी के सुई के अनुसार चल रहा है, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है। घड़ी के सुई के अनुसार चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। तो यहां पर यानी सिर्फ इसमें प्री में क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की डायरेक्ट यानी रोटेशन क्या होता है। गुड इवनिंग, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात हमेशा ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी वहां पर घड़ी के अगेंस्ट घूमता है और यहाँ के घड़ी के पैरेलल। चाहे तो एक बार आप फिर से तस्वीर देख लें, जो लोग बाद में जुड़े थे वो इस तस्वीर को गौर से देखें। इन ये उत्तरी गोलार्ध की तस्वीर है और ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध की तस्वीर यहां पर दिखाई गई। और अभी हम लोग बात जिसकी कर शुरू करे थे, यानी जो आपका ये जो निसर्ग आया हुआ है ये भी एक साइक्लोन है।
उसको बता देने से बेहतर होगा कि हम लोग पूरी साइक्लोन की मैकेनिज्म को ही जान लेते तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब हम लोगों ने यहां पर साइक्लोन क्या है, साइक्लोन रोटेट कैसे करता है, साइक्लोन बनता कैसे प्रेशर डिफरेंस के कारण। आपको अगर साइक्लोन देखना है तो आपने दोपहरी के दिनों में धूल पर देखा होगा, धूल भरी सड़कों पर आपको वो धूल के गुबार बवार ऊपर की ओर उड़ते दिखाई दिए होंगे गोल गोल। इसलिए अब अगर हम लोग इनके प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं, तो चक्रवातों को उनकी जो उत्पत्ति यानी उनके ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया से सेंस ये है कि एक आपके ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन बनते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, यानी उन्हीं को हम लोग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। दूसरे वो हैं जो कि आपके ठंडे एरिया में पनपते हैं, इन्हें हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो इनको ध्यान रखना, पहले कौन हो जाएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे हो जाएंगे आपके टेम्परेट साइक्लोन। आखिर दोनों में फर्क क्या है और जो निसर्ग ये आया हुआ है आखिर ये किस कैटेगरी में है, इसकी बात तो जानेंगे ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट का बंटवारा हुआ कैसे। तो यहां पर अगर हम छोटे से इस मैप में, यहां पर वो लगा हुआ है मैप, इसमें आपको दिखाने की कोशिश करें, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखो यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी जो कर्क रेखा है ये घूम दिखाई दे रही है, यानी इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है यानी मकर रेखा। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी एरिया है, यहां पर कर्क और मकर रेखा के बीच जो साइक्लोन आते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जैसा कि हम यहां पर ये शेडिंग कर रहे हैं। यानी कि जो कर्क और मकर रेखा के बीच में पनपेंगे उन्हीं को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे, जैसा कि ये निसर्ग या इससे पहले अम्फान भी आया था। इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, तमाम सारी जानकारियों को आज हम लोग यहां पर देखेंगे। अब ये पता लग गया होगा कि साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कर्क और मकर रेखा के बीच वाले एरिया में ही पनपते हैं। लेकिन याद रखना इक्वेटर के आसपास ये नहीं आते हैं, वो भी कारण आपको भी बताएंगे। लेकिन उसके बाद जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो एरिया होता है जो ये कर्क और मकर रेखा के बाहर का एरिया है, यानी कर्क और मकर रेखा के जो बाहर पनपते हैं वो कहलाते हैं आपके टेम्परेट साइक्लोन। जैसे ये हमने ग्रीन कलर चेंज कर दिया ये वाला। अब आप यहां पर देख रहे होंगे ये साइक्लोन की तस्वीर भी है, यहां पर ये समुद्र पानी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये तस्वीर भी देख रहे हैं। तो अब हम लोग जहां प्रकारों की जो बात कर रहे थे, तो इन प्रकारों में ध्यान रखना है कि दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप वो जिन्हें हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो कि हमेशा दोनों गोलार्धों में कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ही पनपते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कि आपके कर्क और मकर रेखा के बाहर वाले हिस्से में पनपते हैं, उन्हें हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। अब हमें बात जो करनी है आज वो बात करनी है आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अगर जैसे कि अभी हमने बार बार बताया आपको, एक बार फिर से वही बात दोहरा देते हैं, ये जो है दोनों गोलार्धों में आपको कर्क और मकर रेखा के बीच हमेशा गर्म सागरों पर जन्म लेते हैं, और गर्म सागरों में जन्म लेने के बाद फिर ये जमीन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सागर के मुकाबले जमीन पर लो प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये जमीन की तरफ बढ़ते हैं और जमीन की ओर बढ़ के वहां कोस्टल एरिया से टकरा के तमाम सारी तबाही मचाने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो अब जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देख लिया था, ये साइक्लोन भी देख लिया और उसका एरिया भी देख लिया था, अब जो ये निसर्ग की जो बात कर लेते हैं, अब बात मेन मुद्दे पर आती है
निसर्ग। तो निसर्ग सिर्फ नाम है, बाकी ये एक चक्रवात ही है। इसको सिर्फ चक्रवात के हिसाब से पढ़िए, ना कि निसर्ग के हिसाब से। जैसे गाड़ी हीरो हांडा ही होती है, उसके ऊपर नंबर चाहे यूपी 32 का डाल लो, लखनऊ का, चाहे यूपी 78 का डाल लो, कानपुर का। कहने का मतलब ये चक्रवात है, चाहे इसका नाम निसर्ग रख लो, चाहे इसका नाम अम्फान रख लो, चाहे कैटरीना, रीटा, हरिकेन, कुछ भी रख लो, है ये चक्रवात, और वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखें, तो जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये आपका विंड फ्लो भी दिखाया गया है जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक, ट्रॉपिकल साइक्लोन को यहाँ पर आपको दिखाया भी गया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आखिर ये बंगाल की खाड़ी में क्यों आया, कहाँ गया, कैसे हुआ, इन तमाम सारे मुद्दों पर जो कि आपके स्क्रीन के सामने मैप के जरिए इस बात को रखने की कोशिश की जा रही है। यहां पर इस बात को देखिए कि ये आप देख रहे होंगे, ये कर्क रेखा है, ये वाली, और ये वाला हिस्सा अरब सागर कहलाता है। ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और ये हिंद महासागर का हिस्से हैं दोनों। दोनों तरफ हमने आपको यहां पर, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसा कि हमने यहां पर बनाया भी है। तो मान लेते हैं कि एक चक्रवात यहां पर बना के देख लेते हैं और वहां पर देख लेते हैं। अगर ये बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है, ये वाला, ये जैसे ये लो प्रेशर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और ये वाला एरिया जो है यहां देख रहे हैं, ये जमीन है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि अगर आप पानी और जमीन पर दोनों को बराबर से टेम्परेचर देते हैं, दोनों को बराबर से गर्म करते हैं, तो पहले गर्म कौन होगा और देर तक गर्म कौन रहेगा, बताइए। यानी कि अगर पानी और जमीन दोनों को बराबर से गर्म किया जाए, तो पानी देर तक गर्म रहता है, और देर में गर्म भी होगा, देर तक गर्म बना रहेगा। जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जब अगर यहां पर कोई साइक्लोन होगा, तो जमीन, ये वाला एरिया तो और ज्यादा इसके मुकाबले लो प्रेशर होगा, इस वाला एरिया, यानी यहां पर क्या करेंगे, ये साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इस जमीन की ओर चलेंगे। तो हो सकता है कि यहां पर ये बंगाल से टकरा जाए, हो सकता है कि ये उड़ीसा से टकरा जाए, हो सकता है कि ये आंध्र प्रदेश से टकरा जाए, और हो सकता है ये तमिलनाडु से टकरा जाए। यानी कि या तो ये साइक्लोन भारत की पूर्वी तट रेखा पर अगर बंगाल की खाड़ी में आया, तो ये आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा या आपका पश्चिम बंगाल, इस एरिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाता। ठीक ठीक अभी बताते, मैप में सरक्रीक ये वाला हिस्सा है। मैप में अगर सरक्रीक देखते हैं, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो गुजरात में बताया था उस दिन, ये वाला हिस्सा। तो हाँ, गुजरात। अब यहां पर क्या करेंगे, ये बहुत तेजी से चलते हुए और इस एरिया को जाके पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं
ये टकरा जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर आपके ये अरब सागर में डेवलप होते हैं, तो अरब सागर में अगर डेवलप हुए तो मोस्टली चक्रवात जो है वो आपके पश्चिम की ओर यानी अफ्रीका की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर इस एरिया में यहाँ कहीं पर अगर कभी कभी इस गुजरात और ये आपका महाराष्ट्र या गोवा वाले हिस्से में भी छुट पुट यहाँ पर जो है इनको भी ये मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि इसने निसर्ग ने पहुंचाया। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला महाराष्ट्र, ये वाला गोवा और नीचे कर्नाटक है। तो जो निसर्ग आया था, जो ये वाला यानी अरब सागर में था, जिसने महाराष्ट्र में ज्यादातर नुकसान पहुंचाया, जो भी पहुंचाया भी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो यानी हमेशा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अरब सागर यानी गर्म सागरों के ऊपर जन्मेंगे, कर्क और मकर रेखा के बीच में जन्मेंगे, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जन्मने के बाद ये जमीन की ओर यानी स्थल भाग की ओर रोटेट करते हैं, और स्थल भाग की ओर रोटेट करते हुए किसी न किसी देश की हमेशा पूर्वी तट यानी किसी न किसी देश की तटरेखा से या किसी आइलैंड की तटरेखा से टकरा कर कुछ दिन के यानी कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाते हैं। अब सोचो कि फिर इनसे फिर दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि इन चक्रवातों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इतनी हैवी स्पीड से टकराते हैं कि इस अगल बगल एरिया की पूरी बस्तियों को ये बर्बाद करके रख देते हैं। हजारों पेड़ उखड़ जाता है, बिजली गुल हो जाती है, इतनी कम टाइम में इतनी हैवी बारिश होती है जो बाढ़ जैसी सिचुएशन लाके खड़ी कर देती है, जैसा कि अभी आगे आपको देखा होगा तस्वीर में भी देख रहे हैं। ठीक, जैसे जब ये चलना शुरू करते हैं तो इतनी तेज हवाएं होती हैं जिसके वजह से सामने जो कुछ पड़ा तो सब ये जो है पूरी तरीके से तो इसमें जो है ये पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी ओ इतना तेज फ्लो के साथ बहना शुरू करते हैं ताकि जो भी सामने पड़ा उनको साफ करते चले जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह कारण है वो इनकी हवा की तेजी है। यानी तेज हवा के साथ इतना ज्यादा चलते हैं कि जो भी सामने पड़ा उसको सब तहस नहस करते निकल जाते हैं। अभी आपके सवाल के दोनों जवाब हम देंगे, बस थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा लग रहा है, यानी इस साइक्लोन के बाद इस तबाही के मंजर को देखिए जो कि आपके नजरों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको इस सारे पेड़ जो दिखाई दे रहे होंगे वो सब नारियल के पेड़ हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में नारियल सब एक आम पौधा है, वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये आपको ये अमूमन ये सब जहां पर भी साइक्लोन का फोटो दिखेगा वहां पर आपको नारियल और उससे जुड़े और भी यानी जो इस टाइप की क्लाइमेट में जो उगने वाले पौधे हैं वो दिखाई देंगे। अब रही बात, पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आराम से आपके दोनों सवालों का जवाब देंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। ठीक है, अब रही बात इनकी, हम लोग तीव्रता की बात करते हैं कि अगर हम लोग साइक्लोन जैसे कि साइक्लोन कहाँ आए, अरब सागर में गए, क्या पूरी जो अभी तक हम लोगों ने जाना, उसके अगली कड़ी है कि इनकी तीव्रता जैसे कि भूकंप जब आता है तो उसको नापता है रिक्टर पैमाना नापता है। इसी तरीके से जब साइक्लोन आते हैं तो उनको नापने के लिए यूनिट है, एक होती है साफिर सिंपसन जो कि यहां पर दी हुई है, ये पैमाना उसको नापता है जिस पर 0 से लेके 9 तक जो है ये आपके नंबर पड़े होते हैं, 0 से लेके 5 तक, 9 नहीं, 0 से लेके 5 तक, जो 0 से लेके 9 होते हैं वो रिक्टर पैमाने पर होते हैं, इस पर नहीं होते, वो रिक्टर पर होते हैं, इस पर नहीं। ठीक, अगर कोई भी चक्रवात 5 नंबर पर पहुंच जाता है, यानी वो 0 से 5 नंबर तक की जो बात की गई, तो उसी साइक्लोन को सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रखते हैं। और सुपर साइक्लोन का मतलब हवा की स्पीड उसकी लगभग 249 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी, यानी कि अगर हम लोग ग्राउंड फिगर में कहें कि
200 किलोमीटर से ऊपर से जो तेज हवाएं चलती हैं उनको हम लोग सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रखते हैं। अब साफिर सिंपसन चाहे जो हरिकेन हो तब भी उसी को नापता है, चाहे आपका साइक्लोन हो तब भी उसी को नापता है। यहां पर बात अब कर लेते हैं, एक और होता है टार्नेडो, ये भी एक साइक्लोन ही है, लेकिन ये वो साइक्लोन है जो दुनिया में इससे ज्यादा ताकतवर साइक्लोन कहीं नहीं होता है। आकार में सबसे छोटा लेकिन ताकतवर सबसे ज्यादा, यानी इस साइक्लोन में हवाओं की स्पीड लगभग 800 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है। तो इसके सामने जो भी चीज पड़ी वो सारी की सारी उखड़ के चली जाती है साथ में, जैसे कि महाभारत और रामायण में आपने देखे होंगे, उसमें आपको तीर चलते ऐसे दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से मान लो कोई बिजली का खंभा था, वो हवा के साथ उखड़ जाएगा और उसी के साथ ये ऐसे मिसाइल जैसा चलता दिखाई देगा, रॉकेट जैसा, और जहां पर ये पड़े, जहां से किसी से अगर टकरा गए तो उसको पूरा तबाह करके रख देंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है टार्नेडो टूल्स। क्या कहते हैं? टार्नेडो टूल्स कहा जाता है। टार्नेडो टूल्स का मतलब होता है कि जो टार्नेडो की तेजी के साथ जो सामान, खंबे, रोड, पेड़ सब उखड़ के साथ में बहने लगते हैं, उसी को हम लोग टार्नेडो टूल्स कहते हैं। तो टार्नेडो है तो एक साइक्लोन, लेकिन सबसे खतरनाक साइक्लोन होता है, और इसको नापने के लिए स्केल अलग होता है जिसे फुजीटा स्केल कहा जाता है। ठीक है, फुजीटा। अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, जैसे आप देखेंगे कहीं तो इन्हें हम लोग देखते हैं चक्रवात कहते हैं, तो कहीं टाइफून कहते हैं, तो कहीं विली विली कहते हैं, तो कहीं हरिकेन कहते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हिंद महासागर, हिंद महासागर में कहीं पर भी आएगा उसे चक्रवात कहेंगे, अरब सागर में, वो यहां पर देखो मैप में, यानी अगर इस इंडियन ओशन में यहां पर कहीं पर भी आएगा तो उसे चक्रवात ही कहा जाएगा, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में हो, अरब सागर में हो, चाहे कहीं पर भी हो। जितना भी आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है ये। ये सब इंडियन ओशन का ही भाग है ये पूरा। इसमें जब भी आएगा तो इसे साइक्लोन ही कहा जाएगा। अब रही बात यहां पर, अगर इस चीन और जापान सागर में यहां पर आता है तो यहां पर इसे टाइफून कहा जाता है। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। तो ये आपका चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, फिलीपींस हो, इस पूरे एरिया में अगर कोई पनपता है तो उसे टाइफून ही कहा जाता है। इसी तरीके से यहां पर ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में जो ये आते हैं, यहां पर कलर चेंज कर दें, यहां पर ये मेडागास्कर है यहां पर थोड़ा सा, और ये वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का, इसमें जो आते हैं उन्हीं को बिली बिली कहा जाता है, उन्हीं को बिली बिली कहा जाता है। और जो यहां पर आया करते हैं, ये आपका एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया आपका कैरोबियन सी कहलाता है। इसमें जो आते हैं उन्हीं को हरिकेन कहा जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इनके नाम कैरोबियन सागर में हरिकेन, और आपका चाहे तो इसे मैप को एक बार जूम करके आपको दिखा दें, इस वाले हिस्से में जो आएंगे तो इसे हरिकेन कहेंगे, यहां पर जो इंडियन ओशन में आएंगे उसे चक्रवात कहेंगे, यहां पर मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में आएंगे इन्हें बिली बिली कहेंगे, और ये वाले हिस्से में इसे टाइफून कहेंगे। ठीक, रही बात इसके आगे की, जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देख लें, जैसे कि जो इंडियन ओशन आपका पूरा का पूरा दिखा है, जैसे कि हमने वहां पर उसको छोटे से मैप में दिखाने की कोशिश की, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो
तो ये आपका हिंद महासागर है जो लिखा भी हुआ। इस हिंद महासागर में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो यहां आए, यहां आए, यहां हो, कहीं पर भी होगा, तो उसे हम लोग चक्रवात ही कहेंगे। अब इसके नाम जो कैसे रखे जाते हैं, आखिरी बात ये बची, और इन नामों पर हम लोग यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपके सवाल हैं उन पर गौर करते हैं। अगर इन चक्रवातों की हम लोग बात करें तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, और फिर उसके बाद आगे की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, शायद आपने इससे पहले ना सुनी। इंडियन ओशन के आसपास जो 8 कंट्रीज का पैनल है, 8 कंट्रीज में एक आता है भारत, एक नंबर, पाकिस्तान भी आता है उसमें, दो, तीसरा आता है ओमान, तीन हुए, ठीक, उसमें आता है बांग्लादेश, चार हुए, मालदीप आता है, पांच हुए, श्रीलंका आता है, छह हुए, थाईलैंड आता है, सात हुए, और म्यांमार आता है, ये 8 हुए, यानी थाईलैंड 7 और म्यांमार 8। ये 8 देशों का एक पैनल है, और जो इंडियन ओशन के किनारे किनारे 8 देश, और इन सभी 8 देशों को अगर हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो सबसे पहले आता है भूटान, बांग्लादेश का नंबर, ठीक, बांग्लादेश के बाद फिर आता है नंबर किसका, इंडिया का, अगर अल्फाबेटिकली जाओगे तो फिर आई आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर मालदीप आएगा, फिर म्यांमार आएगा, यानी बर्मा, एम के बाद फिर क्या आता है, एम के बाद फिर आता है ओपी, फिर आएगा ओ, फिर आएगा पी, 1 2 3 4 5 6, पी के बाद फिर क्या आता है, एस और टी, फिर आएगा एस और फिर आएगा टी। तो देखो ये बी का मतलब है बांग्लादेश, आई का मतलब भारत इन इंडिया, मालदीप, तो ध्यान रखना इस बात को, और म्यांमार यानी बर्मा मान लो, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका और थाईलैंड, यानी इन 8 देशों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया जाता है, इन 8ों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया गया, और हर प्रत्येक कंट्री ने अब 8 8 नाम अपनी तरफ से रेकमेंड किए, 8 नाम बांग्लादेश ने, 8 नाम इंडिया ने, 8 म्यांमार ने, 8 इन्होंने, 8 इन्होंने, 8 इन्होंने, 8 इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कंट्री थे, और वो 8 8 नाम सबने अपने रेकमेंड कर दिए। तो जब 8 कंट्रियों ने 8 8 नाम रेकमेंड कर दिए, जैसे वही 8ों कंट्री यहां लिखे हुए, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, 8, जैसे कि नाम इनका देखो, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फोर्थ नेम, इसी तरीके से फिफ्थ नेम और सिक्स नेम, एट, यानी ऐसे 8 कॉलम बने होंगे, जैसे ये कॉलम है, 8 कॉलम बना दिए। अब इनके नाम उन्होंने सबने अपने अपने दे दिए। अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई साइक्लोन आया तो उसी हिसाब से अल्फाबेटिकली उनको नाम देते चलेंगे। जैसे यहां पर देखो ये जो लिस्ट दी हुई है ये नामों की, इससे पहले अभी जो साइक्लोन आया था उसका नाम अम्फान रखा गया था, और अम्फान ये लिखा हुआ है, देखो अपनी उस लिस्ट में भी अम्फान दिया हुआ है, हम आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देते हैं, जो कि थाईलैंड का सुझाया हुआ नाम, अपनी स्क्रीन पर देखना, दिखा अम्फान सबको, देखो दिख रहा है कि अम्फान की नहीं, AMPHAN लिखा अम्फान, तो ये अम्फान था, और अम्फान सुझाया किसके द्वारा गया था,
थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया था। अब थाईलैंड इसमें देखो कौन से नंबर पे लिस्ट में, बोलो कौन से नंबर पे है थाईलैंड, इसमें कौन से नंबर पे था थाईलैंड बताओ। ये थाईलैंड है ना, थाईलैंड इस लिस्ट में लास्ट आखिरी नंबर पे था। तो थाईलैंड के बाद अब यहां से रोटेट फिर से होगा और फिर से रोटेट होगा, फिर कहां जाएंगे, बांग्लादेश पर जाएंगे। तो ये जो निसर्ग साइक्लोन है इसका जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश ने दिया है। इसी तरीके से निसर्ग के बाद अगर कोई साइक्लोन यहां पर आएगा तो फिर वो होगा इंडिया का दिया गया कोई भी नाम होगा। यानी इसी तरीके से जैसे थाईलैंड यहाँ पूरा हो गया सर्किल, उसके बाद फिर अब आया बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम, फिर अगला जो आएगा वो इंडिया के द्वारा दिया गया नाम, फिर मालदीव के द्वारा, फिर म्यांमार के द्वारा, फिर ओमान के द्वारा, फिर पाकिस्तान के द्वारा, फिर श्रीलंका और फिर थाईलैंड। जब ये फिर पूरा हो जाएगा तो फिर से बांग्लादेश से चालू हो जाएगा। यानी ये रोटेशन चलता रहता है। तो ये 8वें नंबर पे थाईलैंड था और थाईलैंड के द्वारा दिया गया नाम अम्फान था। अम्फान के बाद ये निसर्ग आया है, तो निसर्ग द्वारा को जो नाम दिया है वो बांग्लादेश ने दिया है, क्योंकि उसी क्रम में ये रोटेशन चलता रहता है। बात समझ में आई यहां तक सबको? हाँ बिल्कुल, सारे नाम पहले से दे दिए जाते हैं और उनको पूरी तरीके से अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर ये देखो, ये देखो, ये सारे नाम पहले से अरे दिए दिए जाते हैं, ये पहले से नाम दिए गए हैं, पहले से पता लग जाता है कि आपके जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम क्या होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख लो, आपके जो नाम साइक्लोन का दिया गया होगा तो वो नाम होगा इंडिया की तरफ से, और वो इंडिया की तरफ से जो दिया गया होगा वो इंडिया का जो नाम होगा, जैसे कि इंडिया का फर्स्ट नाम क्या है, जैसे इंडिया ने फर्स्ट नाम अग्नि है जो 2004 में, आकाश है, बिजली है, जाल है, उसके बाद इसी तरीके से जो 8 की लिस्ट है उसमें इंडिया के द्वारा दिया गया नाम होगा अबकिल जो आएगा निसर्ग के बाद। हाँ, अब कुछ सवाल बचे थे जिनकी बात करनी है। जैसे कि कहा गया था ये घूमते क्यों है, देखो घूमते ये इसको अगर हम लोग देखें कि अगर जैसे कि मान लो यहां पर ये कोई लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तो इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं रोटेट करेंगी। यानी जैसे कोई गड्ढा है, यो मान लो गड्ढा है, इस गड्ढे में अगर गड्ढा है और अगर पानी बरसता है, गांव में तालाब देखा, पूरे गांव का कहीं का भी पानी हो बरस के बह के आता कहाँ है, उस तालाब में। ठीक उसी तरीके से सुनिए, तो ठीक उसी तरीके से यहां पर जैसे इसे तालाब समझ लो और इसके तरफ से जो हवाएं होंगी वो हाई प्रेशर इसके चारों तरफ होगा और इस चारों तरफ से हवाएं जो हैं इस गड्ढे की ओर बहना शुरू करेंगी, यानी कि इस लो प्रेशर की ओर, जैसे यहां पर देख रहे हैं। जैसे हमने कहा ना गांव में तालाब होता है, पूरे गांव में पानी कहीं पर भी बरसे बह के आता है उस तालाब में, तो इसी तरफ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये हवाएं तेजी से दौड़ती हैं। जब ये तेजी से दौड़ेंगी चारों तरफ से तो वो गोल तो बन ही जाएगा। दूसरी बात ये कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये चक्कर बन जाता है। यानी है तो गोल क्योंकि चारों तरफ से आ रही तो गोल है, लेकिन पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, वो भी एक चक्का बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपने इस सर्किल में देख रहे होंगे, जैसे कि इस डायग्राम में देखो आप। और अभी रही बात अगला क्वेश्चन, उसका भी जवाब बताते हैं आपको। देखो जैसे कि ये देख रहे होंगे, गोल दिख रहा है, गोल कोई भी चीज चारों तरफ से कोई चीज आएगी उसके ऊपर चारों तरफ से झपट्टा मारेगी तो वो गोल ही जन चक्का बन जाएगा, लेकिन जो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पृथ्वी के रोटेशन के कारण। ठीक है, तो इसका जवाब आपको मिल गया। बोलिए राजकुमार जी, क्या इस सवाल का जवाब आपको मिल गया? दूसरी बात, जब आपने कहा कि यहां पर
ये जो है बंगाल की खाड़ी में ज्यादा क्यों आते हैं, अरब सागर में क्यों कम आते हैं? उसका सीधा सा जवाब ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बंगाल की खाड़ी में आते हैं और अरब सागर में नहीं आते हैं। ये ठीक है, ये बिल्कुल एकदम कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा उसके हम आपको कारण बता देते हैं। सुनिए, अब आपका जो दूसरा सवाल था उसका बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है। देखो, अमूमन हम वो चीजें जानते हैं जो हमारे पास आसपास घटती हैं। यानी कि अगर आपके अगल बगल चोरी मान लो 2-3 बार हो जाती है घर के अगल बगल, तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में सब चोर ही बसते लग रहा है। लेकिन अगर आपके अगल बगल घर के चोरी नहीं होती है, सब कुछ सही रहता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया से चोर खत्म हो गए हैं। समझ में आई बात हमारी कहने का? चोर से कहने का मतलब जो चीजें हमें अगल बगल घटती रहती, जिनके बारे में हमें पता लगता रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सारे, जैसे कि आप कहीं आंखों के अस्पताल चले जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पूरी दुनिया अंधी हो गई है क्या। इसी तरीके से अगर आप कहीं हड्डी के अस्पताल में चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया पता नहीं अगर सब लूली लंगड़ी हो गई है क्या। कहने का मतलब सिर्फ हमारा इतना है कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन आते हैं वो मोस्टली भारत को प्रभावित करते हैं, या तो इन राज्यों की तटों को तबाह कर देते हैं मोस्टली, इसलिए हमें लगता है कि बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं, अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन अरब सागर में जो साइक्लोन आते हैं वो मोस्टली ट्रेड विंड के सहारे बहते हुए वो पश्चिम की ओर चले जाते हैं, और जहां पर सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर या यमन या ओमान, इन देशों को प्रभावित करते हैं। और जब ये हमारा इंडिया को प्रभावित ही नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ अरब सागर में साइक्लोन आते ही नहीं। बात समझ में आई राजकुमार जी? बोलिए। बात समझ में आई? वो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा हमें लोग इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो ज्यादातर वो भारत को प्रभावित करते हैं, और अरब सागर वाले रेयर केस में भारत को प्रभावित करते हैं, वरना वो सब चले जाते हैं पश्चिम की ओर, अफ्रीकन देशों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पर अरब सागर में आते ही नहीं। और ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी ज्यादा जमीन से घिरी है, ज्यादा टेम्परेचर रहता है अरब सागर के मुकाबले इस एरिया का, इसलिए कुछ मुकाबले में यानी कह सकते हैं कि 19-20 का फर्क भी है, यानी बंगाल की खाड़ी में उसके मुकाबले कुछ ज्यादा आते हैं। लेकिन ये कह देना कि बंगाल की खाड़ी में आते हैं और अरब सागर में आते हैं नहीं आते हैं, ये पूरी तरीके से गलत होगा। रही बात रेन की, जब यहाँ पर इतना हैवी टेम्परेचर बनता है, टेम्परेचर बनने की वजह से यहाँ क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। यानी जो ये एरिया है यहाँ पर बहुत हैवी तरीके वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने की वजह से हवा ऊपर की ओर जाएगी, यानी साथ में ह्यूमिडिटी भी ऊपर ले जाएगी, और ऊपर ले जाने पर ये ठंडी होगी, संघनन होगा, काले घने बादल बनेंगे, और तेज हवाओं के साथ जब चलेंगे तो उसी के साथ साथ ये बरसात भी कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर पानी भी बरसता दिख रहा है और हवा भी चलती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो साइक्लोन से। हाँ, अब हमें ये पता लग गया इनके अलग अलग देशों में इनके नाम, और इनके नाम रखने की परंपरा 2004 से शुरू हुई इंडिया में, और सबसे पहले इनकी जो नाम रखने की परंपरा शुरू हुई थी वो 1870 से शुरू हुई थी। 1870 से शुरू हुई थी, अमेरिकन जो नेवी के लोग थे वो इन साइक्लोनों के नाम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर रखा करते थे। बाद में गर्लफ्रेंड से हटके फिर वो आ गए, वो अपनी अपनी उन्होंने वाइफों के नाम पर इनके नाम रखना शुरू कर दिए, यानी अपनी अपने पत्नियों के नाम पर। तो उसी तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा, और 2004 में हिंद महासागर में जो भी साइक्लोन आते थे उनको इन 8 देशों के पैनल ने, यानी 8 कंट्री हैं ये, 8 कंट्री के 8 8 दिए गए नाम, तो नाम हो गए 64। तो इस 64 जब पूरे हो जाते हैं तो फिर से रोटेशन शुरू हो जाता है, और ये जो अम्फान आया था वो इस 64 में ये आखिरी नंबर पे था,
इसका मतलब अब रोटेशन फिर से चालू हो गया, अब बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम मिसर है। ठीक है, बोलिए किसी का कोई सवाल। हाँ, जो रिपीट करने को आपने रेन के बारे में बताया, तो रेन बात ये कह रहे थे, जब यहां पर हमने कहा चक्रवात वही बनेगा जहां लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर तब बनेगा जब टेम्परेचर हाई होगा, और जब टेम्परेचर हाई भी होगा तो इस एरिया का बहुत ज्यादा क्या होगा, यहां से बहुत ज्यादा पानी इवेपोरेट होगा, जो ह्यूमिड जो वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर जाने के बाद ये ठंडा होगा, संघनन होगा यानी कंडेंसेशन होगा, जिससे बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे और ये जो और ये पूरा एरिया समझ लो ऐसे घूमने लगेगा जैसे कीप या फनल टाइप का आकार होता है, इस तरीके से रोटेट होते हुए ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, और जब ये तेजी से ये साइक्लोन इधर की ओर बढ़ेगा हवा के साथ, तो यहाँ पर ये बादल भी साथ में इधर की ओर आएंगे, और बादल आएंगे तो यहीं पर यानी तेज बरसात और तेज हवाओं के साथ इस तटरेखा से जब टकराएंगे तो इस पूरे एरिया में अफरा तफरी तहस नहस का माहौल पैदा कर देंगे, जैसा कि आप सुनते भी होंगे, बताया जाता है कि मछुआरों की सलाह दी जाती है कि वो ना जाएं, यानी तमाम तरीके के ऐसे आपने खबरें सुनी होंगी जो एडवाइजरी जारी की जाती है। ठीक है, किसी का कोई सवाल और रहा हो तो बताइए, और इस टॉपिक को यानी निसर्ग को मान के ना पढ़िए, निसर्ग सिर्फ एक नाम है, ये ठीक उसी तरीके से पढ़िए, उसी फॉर्मेट में पढ़िए जो कि आपका एक साइक्लोन को, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाती है, हमने लिखा भी बहुत साफ सुथरा है ताकि आप इसको पीडीएफ को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, बस इतना करिए कि अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लोगों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अपनी समझ में हम इतने बेहतर से बेहतर टॉपिक लेके आते हैं लेकिन फिर भी उसमें 10-12 कैंडिडेट से ज्यादा नहीं जुड़ते हैं, मालूम नहीं क्यों। अगला जो हम लोगों का जो चर्चित मुद्दा होगा, और वो होगा इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस पर इतना बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, लगेगा कि आपको वहां से बॉर्डर पर आप होके आए, बिल्कुल एकदम मैप में उसको अलग अलग कलर से बनाएंगे, यानी जहां पर बॉर्डर जहां पर डिस्प्यूट ज्यादा है वहां रेड कर देंगे, जहां पर स्थिति नॉर्मल है उसे ग्रीन कर देंगे, जहां पर थोड़ा बहुत है वहां पर पीला कर देंगे, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको उस मैप में मैकमोहन लाइन और एलएसी क्या है, ठीक है, और ये आपका कहां कहां बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्या क्या है, उसको हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से बताएंगे। उम्मीद करते हैं वो टॉपिक बहुत मजेदार होगा, और आज के डेट में वो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इस टाइम जो बॉर्डर पर तनातुनी लग रही है, और इसीलिए ये ऐसे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार कभी इंडिया पाक बॉर्डर रिलेशन को पाक जो बॉर्डर वाला पूछा जाता है ऐसे में, कभी आपका चीन वाला, तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पर खूब अच्छे से कर लेंगे जिससे आपके करेंट अफेयर्स भी कवर हो जाए, और अगर बाई चांस मेंस में क्वेश्चन आ जाता है जो कि इंडियन ज्योग्राफी में ऑप्शनल पेपर में आ सकता है और जीएस में भी आ सकता है 2020 के मेंस में, 19 के और 20 के दोनों में, कि मान लो भारत और चीन के सीमा विवाद पर आप टिप्पणी करें, तो आपको आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आखिर टिप्पणी करने के लिए कि आप हम लिखेंगे क्या, ये तो है नहीं कि हम जो मन करेगा लिख के चले आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक एक सिस्टमेटिक वे में बताना पड़ेगा कि हम इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसको हम तीन स्लॉट में देख सकते हैं, एक वेस्टर्न रीजन जो आपका लद्दाख वाला है, सेंट्रल रीजन जो कि आपका उत्तराखंड और हिमाचल का लगता है, और एक ईस्टर्न रीजन जो आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका सिक्किम का है, जो अब मैकमोहन वाली एरिया है वो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला है जिसको चीन नहीं मानता, ठीक है। इसी तरीके से एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये क्या मामला, अक्साई चीन क्या मामला है, लिपुलेख दर्रा क्या है, क्या नाम आपका नाथुला दर्रा का क्या इंपॉर्टेंस है, जेपला दर्रे का क्या इंपॉर्टेंस है, और आपका ये जो नोकला दर्रा जो है वो क्या नाम था, अभी जो यहाँ पर सिक्किम में झड़प हुई थी, तो इन सब चीजों पर बहुत ही अच्छे से जो है इसको हम लोग देखेंगे।
तो ये क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है हमारे साथ, और इसको कंटिन्यू रख पाना हमारे लिए लग रहा है कि मुश्किल होगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से इतना बेहतर कंटेंट लेके आते हैं, उसके बाद जब इसमें व्यूज नहीं जुड़ते हैं तो हमारे ऊपर भी कम से कम जवाबदेही बनती कि व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका जवाब हमारे पास कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर कंटेंट में कमी हो, प्रेजेंटेशन में कमी हो, किसी भी तरीके की, तो वो समझ में आती बात है। ठीक है, हाँ नहीं, कल चाइना के साथ मीटिंग है वो, हाँ कल अभी न्यूज में हमने भी सुना है, तो शायद बहुत ही बहुत बड़े अधिकारियों की मीटिंग है कल। अच्छा राजकुमार जी, ये ब्रिगेडियर पोस्ट क्या होती है? अक्सर हम सुनते हैं, हमको नहीं आइडिया है ये ब्रिगेडियर पोस्ट मतलब कितनी बड़ी होती है सेना में, क्योंकि हमको इसके बारे में आइडिया नहीं था। कि कल परसों खबर सुनी थी ब्रिगेडियर स्तर की मीटिंग हुई, फिर अब आज सुन रहे हैं कि शायद कोई और बड़ी मीटिंग है। मतलब कितनी बहुत बड़ी पोस्ट होती है क्या ये? अगर हम पुलिस के हिसाब से समझें तो पुलिस में किस अधिकारी की रैंक बनती है? जैसे कि एक जैसे होता है जिले में कप्तान, फिर तहसील लेवल पर सीओ। कुछ आइडिया देंगे, क्योंकि हमको कंफ्यूजन बहुत है इसमें रैंकिंग की। चलिए खैर, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा हमें लग रहा लिखने में आपको। नहीं, हमने तो आपको पहले ही बताया चीन से विवाद जो है उस पर उस पर क्लास होगी, लेकिन क्लास ये इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम तुरंत, आपको उसके लिए टाइम चाहिए होता है भैया, एकदम कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, और आपको उसमें उसके लिए क्लास बनानी पड़ती है, मैटर उसके लिए मैप तैयार करने पड़ेंगे, कंटेंट पूरा रेडी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हमें भी वक्त लगेगा। ये आपका चक्रवात के फोटो तरह तरह के अच्छे निकाले, उस फोटो निकालने के बाद ये सब बनाया, कुछ गूगल की मदद ली, कुछ अपने आप लिखा, तब जाके ये क्लास तैयार होती है। ये इसमें टाइम लगता है, जैसे ये आपको मैप पर लगाए, फिर इसको बनाने के बाद स्लाइड बनाओ, पीपीटी, तमाम तरह के काम लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, कल कोई नए टॉपिक के साथ, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, इसको शेयर जरूर कर देना सब लोग भाई।